साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच खेला गया वर्ल्ड कप का मुकाबला टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीता। टीम के अहम हीरो रहे रोहित शर्मा और युजवेंद्र चहल। रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई, साथ ही युजी चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटके। लेकिन मैच के बाद विराट कोहली ने मैच का जीतने का श्रेय ना ही रोहित शर्मा को दिया, ना ही मुख्य तौर पे युजवेंद्र चहल को दिया। विराट कोहली ने जीत का क्रेडिट MS धोनी को दे दिया। जी हाँ दोस्तों, धोनी पूरे मैच के दौरान काफी सक्रिय दिखाई दिए। पूरे मैच के दौरान साफ दिखाई दिया कि धोनी किस प्रकार से कैप्टनसी में विराट की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। मैच के बाद प्रेजेंटेशन में विराट कोहली ने साफ तौर पर कहा कि माही भाई का टीम में होना टीम के लिए काफी अहम है। उनका एक्सपीरियंस पहले ही मैच में हमारे साथ काम आया। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि धोनी हमारी टीम में अहम हिस्सा है और साथ ही वो मुझे राय देते हैं। विराट कोहली ने कहा कि किसी से राय लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है। धोनी ने वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ खेला है। वो पिछले 2 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी भी कर चुके हैं। विराट ने कहा कि ये मेरे लिए भी काफी गौरवान्वित करने वाली बात है कि मैं टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर। साथ ही विराट ने आगे कहा कि रोहित शर्मा के वनडे इनिंग्स में ये सबसे उम्दा पारियों में से एक थी और उन्होंने कहा कि चहल पर हमें हमेशा सही भरोसा रहता है। विराट कोहली के अनुसार जीत का अब रथ टीम इंडिया का जो चढ़ा है वो अब यूं ही चलता रहेगा और इंडिया वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि धोनी द्वारा विराट की गई मदद कैप्टनसी में क्या वर्ल्ड कप में अहम रहने वाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो और भी खबर के लिए।